दोस्तों जब से जो है फ्रांस में एक टीचर की हत्या हुई है और कहीं ना कहीं वहां पर टीचर की हत्या इसलिए हुई थी क्योंकि वह जो है मोहम्मद साहब का जो है कार्टून बनाया था और कहीं ना कहीं जिन्होंने मोहम्मद साहब का कार्टून बनाया था उस कार्टून को बनाने के तहत जो है एक आदमी जो है मुसलमान व्यक्ति जो है उस टीचर का गला काट देता है और कहीं ना कहीं इससे उसकी मौत हो जाती है। और मौत होने के बाद जो है फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने जो है एक बयान जारी करता है और बयान जारी करके कहता है कि इस्लाम से जो है पूरी दुनिया पूरी तरीके से संकट में घिरा हुआ है। और कहीं ना कहीं जब उन्होंने यह विवादित बयान दिया तो इस बयान से जो है पूरी दुनिया के मुसलमान जो है पूरी तरीके से फ्रांस के बायकॉट करने लगा। पूरी दुनिया के तमाम मुस्लिम कंट्री जो है पूरी तरीके से फ्रांस के तमाम सामानों का, फ्रांस के तमाम लोगों का, फ्रांस के राष्ट्रपति का, फ्रांस की तमाम कंपनियों का पूरी तरीके से बॉयकॉट करने लगा, बहिष्कार करने लगा। आखिर क्यों करने लगा और आखिर जो है यहां पर फ्रांस के राष्ट्रपति का जो है तमाम खाड़ी देशों में, चाहे वह पाकिस्तान हो जाए, तुर्की हो जाए, कुवैत हो जाए या फिर और भी जो मुस्लिम कंट्री है, वह किस प्रकार से फ्रांस के सभी सामानों का बहिष्कार कर रहे हैं और फ्रांस को जो है यहाँ पर माफ़ी मांगने के लिए बोल रहे हैं कि फ्रांस ने जो मुसलमानों के खिलाफ इतना विवादित टिप्पणी दिया है तो इससे जो है पूरी दुनिया के मुसलमान कंट्री और पूरी दुनिया के तमाम मुसलमान लोग जो है फ्रांस से पूरी तरीके से नाराज है और फ्रांस अगर इससे माफ़ी नहीं मांगती है तो फ्रांस जिससे कि जो है फ्रांस की तमाम सामानों का जो है पूरी दुनिया के मुसलमान देश और मुस्लिम जो है पूरी तरीके से यहां पर बहिष्कार करेगा, बॉयकॉट करेगा। आखिर क्या है मामला और आखिर मामला कैसे शुरुआत हुई, आखिर कैसे हुई और आगे क्या होने वाली है, इन तमाम चीजों के बारे में मैं आज की इस वीडियो में आपको फुल डिटेल में बताने वाला हूं। तो इसीलिए इस वीडियो को मेरा आज आप लोग पूरा देखिएगा। दोस्तों देखिए, सबसे पहले जो है फ्रांस में एक घटना होती है और इस घटना में जो है एक स्कूल के टीचर जो है मोहम्मद साहब पैगंबर, मोहम्मद पैगंबर का जो है एक कार्टून बनाते हैं और उस कार्टून को बनाने के कारण जो है वहां पर एक आदमी जो है उस टीचर का गला को पूरी तरीके से काट देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। और मौत होने के एक दो दिन बाद जो है फ्रांस के राष्ट्रपति उस टीचर को श्रद्धांजलि देती है और श्रद्धांजलि देने के बाद जो है एक बयान जारी करता है और उस बयान में कहता है कि मुसलमान से जो है आज पूरी दुनिया के तमाम कंट्री हो जाए और पूरी दुनिया के लोग और पूरी दुनिया जो है पूरी तरीके से संकट में घिरा हुआ है। और कहने के जब उन्होंने यह बयान दिया तो इस बयान को देने के बाद जो है तमाम खाड़ी देशों में, अरब देशों में जो है यहां पर फ्रांस का बहिष्कार होना स्टार्ट हो गया, बॉयकॉट होना स्टार्ट हो गया। और आप लोग अगर ट्विटर यूज करते हैं, सोशल मीडिया यूज करते हैं तो भारत में भी जो है तमाम मुसलमान लोग जो फ्रांस के तमाम सामानों का, फ्रांस कंपनियों का, फ्रांस के राष्ट्रपति का जो बहिष्कार कर रहे हैं और भारत के सोशल मीडिया अकाउंट पर भी जो है बॉयकॉट फ्रांस, बॉयकॉट फ्रांस की तमाम कंपनी जो है ट्रेंड होने लगा। और कहना कि इसी प्रकार से कई दिनों तक जो है तमाम अरब देशों में, चाहे वह तुर्की हो जाए, पाकिस्तान हो जाए, कुवैत हो जाए या फिर सऊदी अरब हो जाए या फिर और भी जितने भी सारे मुस्लिम कंट्री है, वहाँ पर भी जो पूरी तरीके से फ्रांस के सामानों का, फ्रांस के लोगों का, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन का पूरी तरीके से बहिष्कार होने लगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, यह सिर्फ बहिष्कार ही होने नहीं लगा बल्कि यहाँ पर तुर्की ने तो फ्रांस को धमकी दे डाली और भी जो है पर पाकिस्तान की सरकार यानी कि इमरान खान ने जो है फ्रांस के राष्ट्रपति को जो है यहाँ पर एक नोटिस जारी करके कहा कि यहाँ पर आप जो है पूरी दुनिया के तमाम मुसलमानों से माफ़ी मांगे नहीं तो पूरी तरीके से पाकिस्तान के तमाम लोग और पाकिस्तान के अलावे भी जो है तमाम मुस्लिम कंट्री जो है फ्रांस के पूरी तरीके से बहिष्कार करेगा, फ्रांस का सामानों का पूरी तरीके से यहाँ पर प्रतिबंध लगा सकता है। दोस्तों देखिए, जब यहाँ पर फ्रांस के राष्ट्रपति ने देखा कि तमाम लोग यानी तमाम मुसलमान जो कंट्री है, तमाम जो मुस्लिम लोग है फ्रांस का पूरी तरीके से बहिष्कार करने लग चुका है, फ्रांस की तमाम कंपनियों का बहिष्कार करने लग चुका है, तो यहाँ पर जो फ्रांस के राष्ट्रपति ने एक जो नोट जारी किया, एक नोटिस जारी किया, एक बयान जारी किया और उस बयान के मुताबिक उन्होंने सभी से कहा कि फ्रांस के सामानों का बहिष्कार ना करें, फ्रांस के तमाम कंपनियों का बहिष्कार ना करें, क्योंकि उन्होंने जो कहा पूरी तरीके सही कहा है। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें तुर्की का, तो तुर्की यहाँ पर जो खुलेआम फ्रांस को धमकी दे रहा है कि वह यह जो बयान दिया है वो तो पूरी तरीके से गलत है। अब दोस्तों यहाँ पर निष्पक्ष बात हम लोग यह करते हैं कि क्या फ्रांस के सामान का बायकॉट करना सही है या फिर गलत है। आपको क्या लगता है कि यहाँ पर जो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने जो बयान दिया था मुसलमानों को लेकर के, तो क्या वह पूरी तरीके से सही था या फिर गलत था। तो इसको अगर हम देखें तो फ्रांस के राष्ट्रपति ने जो बयान दिया था वह एक हिसाब से अगर हम देखें तो सही तो नहीं है, कुछ हद तक सही है और कुछ हद तक सही नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है अगर मुसलमान धर्म को कट्टरता मानते हैं और बहुत सारे लोग नहीं भी मानते हैं। तो ऐसे स्थिति में जिस प्रकार से वहाँ पर उस टीचर की हत्या हुई थी फ्रांस में, तो वह तो गलत थी क्योंकि वह टीचर की हत्या नहीं हुई थी। अगर उन्होंने कुछ गलत किया था तो
उसे उसकी सजा मिल सकती थी, लेकिन उसे मारना यह गलत था। लेकिन जो फ्रांस का राष्ट्रपति ने बयान दिया था, तो उस बयान के मुताबिक जो है पूरी दुनिया के तमाम मुसलमान कंट्री और मुसलमान के लोग जो है यहाँ पर फ्रांस का बायकॉट जो कर रहे थे, तो मुझे कुछ हद तक लगता है कि यह सही नहीं था, क्योंकि बायकॉट करना किसी भी यहाँ पर इसका हिसाब नहीं है। अगर जो गलत कर रहा है उसे उसको सजा मिलनी चाहिए, उसके बायकॉट करके या फिर उसको मार करके उसका सजा नहीं दिया जा सकता है। तो ऐसे स्थिति में अगर हम देखें तो आज जो अगर हम देखें तो पूरी दुनिया के तमाम मुस्लिम कंट्री और मुस्लिम लोग तो फ्रांस का बहिष्कार कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर भारत में कुछ लोग यहाँ पर जो है फ्रांस का बहिष्कार कर रहे हैं, बॉयकॉट कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग यहाँ पर फ्रांस का सपोर्ट भी कर रहे हैं। और कल जो है सोशल मीडिया पर और खास करके ट्विटर पर जो है आई एम विथ फ्रांस, आई एम स्टैंड विथ फ्रांस भी ट्रेंड कर रहा था, यानी भारत के कुछ लोग यहाँ पर फ्रांस का बॉयकॉट कर रहे हैं और भारत के कुछ लोग जो यहाँ पर फ्रांस का सपोर्ट भी कर रहे हैं। और इसी प्रकार से बहुत सारे कंट्रियों का भी यही रिएक्शन है। यहाँ पर जो है तमाम मुस्लिम देश, तमाम मुस्लिम कंट्री जो है फ्रांस के सामानों का, फ्रांस के राष्ट्रपति का, फ्रांस की कंपनियों का बॉयकॉट कर रहे हैं, बहिष्कार कर रहे हैं। तो उसी प्रकार से सेम इसका ऑपोजिट जो है बहुत सारे कंट्री, बहुत सारे लोग जो है फ्रांस का सपोर्ट कर रहे हैं, फ्रांस की कंपनियों का सपोर्ट कर रहे हैं, और कहने के फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन का भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से आधा दुनिया फ्रांस का सपोर्ट कर रहा है और आधा दुनिया फ्रांस का बॉयकॉट कर रहा है। तो ये देखने वाली बात होगी कि आगे अब क्या होती है। तो दोस्तों मैं बस इस वीडियो के माध्यम से बस इसी जानकारी को आप लोगों को देना चाहता था। दोस्तों अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।